कन्नौज की सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में काफी अंतर है। 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी तो बड़े वादे लोगों से किए गए थे कि प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन आज हालत यह है कि आमजन महंगाई से काफी परेशान है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद तेल से लेकर हर जरूरी चीज के भाव आसमान छू रहे हैं। भाजपा अपनी कुर्सी बचाने के लिए सभी तरह के हथकड़े अपनाती है। पिछले एक वर्ष से किसान आंदोलन कर रहे थे, इस बीच उन्हें किसान की कोई चिंता नहीं हुई। जब 5 राज्यों में चुनाव सामने आ रहे हैं तो उन्हें देखते हुए अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 3 कृषि कानून वापस लिए गए। यह बात सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने नेमावर से प्रारंभ की जन जागरण रैली के दौरान कन्नौज बस स्टैंड पर समापन के दौरान व्यक्त की। इस अवसर पर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया। कैंडल जलाकर किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। आपकी यात्रा कब शुरू हुई, कहां से हुई और यात्रा का क्या उद्देश्य? यात्रा नेमावर से शुरू हुई। कल हमने 19 तारीख को नर्मदा जी के तट से माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी के मार्गदर्शन में यात्रा शुरू की और आज उसका दूसरा समापन का दिन है। और इसका उद्देश्य वही है जो जन जागरण अभियान कांग्रेस का चल रहा है। लोगों में भ्रांतियां हैं तो वो कहते हैं विपक्ष कहाँ है, तो उन्हें देखना चाहिए कि विपक्ष यहाँ है और पूरे भारत में ये आंदोलन हो रहा है। तो मेरा भी वही इसका उद्देश्य है। और चूंकि मेरी यात्रा 15 दिनों की है, तो यहाँ से नेमावर से लेकर और हम बाड़ी तक जाएंगे। कल हमारा यात्रा का जो मार्ग है वो अमलाहा से है, तो कन्नौज से हम अमलाहा पहुँच जाएंगे और वहाँ से फिर हम 250 किलोमीटर आगे चलेंगे। किसानों के जो विरोध था 3 काले कानून को लेने का, नरेंद्र मोदी ने कल जो 1 काले कानून को वापस लिया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने पहले उनकी सरकार, उनके लोगों ने किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब कुछ बुलाया, लेकिन गलत थे तो उनको पीछे हटना पड़ा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से किसानों ने जिस आत्मबल का प्रदर्शन किया है उनके ऊपर मुझे बहुत श्रद्धा है, क्योंकि 600 किसानों का शहीद हुए हैं वो, और उसके बाद भी वो अड़े रहे हैं, तो ये किसानों की जीत है, ये देश के लोकतंत्र की जीत है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।